हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमन शर्मा। गाइज, आज हमारे पीछे घड़ी हुई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जिसके अंदर हमने बहुत सारी एसेसरीज अपग्रेड करी हैं। पहले भी कुछ एसेसरीज अपग्रेड करी हैं और आज भी ये गाड़ी कुछ अपग्रेड्स के लिए आई थी। तो पूरा अपग्रेड तो हो चुका है, अभी मैं आपको फाइनली जो एसेसरीज अपग्रेड हुई हैं इसके अंदर वो दिखाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो और हम बताते हैं आपको अंदर से हमने क्या कुछ किया है। हमने गाड़ी के अंदर लेमिनेशन करा है, ये आप चेक करेंगे ना, ये पूरा लेमिनेशन किया है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखा पाएँ। तो ये आप अगर चेक करेंगे, सो चेकमेट कंपनी की यहाँ पर लेमिनेशन मैट लगाई है, जिसके अंदर कुछ इस टाइप का पैटर्न बने होते हैं और काफ़ी अच्छी रहती है ये। अब इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपकी गाड़ी का पूरा कारपेट एरिया प्रॉपरली सिक्योर हो जाता है। अगर पानी वगैरह भी गिरता है ना, तो डायरेक्ट कारपेट पे नहीं आता है, तो उससे क्या होता है कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी, बैड ऑडर नहीं आएगा। और साथ में कुछ खाना वगैरह भी गिरता है, सॉस वगैरह गिर जाता है, क्योंकि नॉर्मली लोग गाड़ी के अंदर खाना वगैरह खाते हैं, आप कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो कारपेट वगैरह भी गिर जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा बैड ऑडर आती है और वो गाड़ी के अंदर बहुत टाइम तक रहती है। तो ये लगाने के बाद में ना ऐसा कोई भी इशू नहीं आता है और इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। गीला कपड़ा लेना है आपको और पोंछना है और इजीली जो पूरा का पूरा कारपेट एरिया है आपका वो पूरा क्लीन हो जाएगा और आराम से आप अपनी मैटिंग्स वगैरह को नॉर्मली इस टाइप से बिछा सकते हैं। जैसे कि ये मैं आपको लगा कर बता देता हूँ एक बार, ये तो इस टाइप से लग भी जाती है और अभी तो माफ़ करना है गंदी हो रही है, सो उसको माइंड मत करना। तो ये काम हुआ है। इसके अलावा यहाँ से ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो पूरा एरिया यहाँ पर कवर्ड अप है, सीट वगैरह खुल के ये लगता है। हाँ, आज हमने गाड़ी के अंदर जो सीट कवर का काम है वो किया है। इसके अंदर फैब्रिक अपोस्ट्री आती है भाई, वो दिखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है और कस्टमर की डिमांड थी कि उनको टॉप मॉडल वाला ही थोड़ा सा लुक चाहिए। कस्टमर की डिमांड थी कि ब्लैक एंड चॉकलेट ब्राउन का कॉम्बिनेशन ही उनको कराना है, सो हमने भी सीट्स पर वही किया है। ब्लैक एंड चॉकलेट ब्राउन का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो किया है। जैसे टॉप मॉडल की सीट्स आती हैं ना, वैसा ही कुछ आप समझ सकते हैं इसको, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है सीट्स। फिटिंग आप चेक करो। इसके अलावा आप बोलेंगे कि छोटे मोटे जो रिंकल हैं वो हटेंगे कि नहीं हटेंगे, सो ये बाय द टाइम 2-3 हफ्ते में जैसे ही धूप लगेगी ना अच्छे सीट्स पे, सो ये हट जाएंगे। इसके अलावा बकेट फिनिश करिए, सो फिटिंग आपको प्रॉपर नज़र आएगी। यहाँ पर प्रॉपर बकेट फिनिश हुई है, यहाँ पर भी बकेट फिनिश हुई है। अच्छा, आप ये चाबी देख रहे होंगे, ये गाड़ी के अंदर की कवर अपग्रेड हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं ऐसा की कवर अपनी कार के लिए भी, सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट करके भी आप परचेज़ कर सकते हैं, हमारे पास में भी अवेलेबल है। अब अंदर से देखो आप गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसकी खूबसूरती का राज भी मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी के अंदर सनरूफ आती है, देखो मतलब कि ऊपर से काफ़ी अच्छी लाइट आपको मिलती है गाड़ी के कैबिन में। और कभी आप मनाली वगैरह जाओगे ना, तो इससे आप बाहर के व्यू का भी आनंद ले सकते हैं। बट इंडिया के अंदर की कंडीशन भाई, आप सभी को मालूम है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इंडिया के अंदर। सो इंडिया के अंदर अगर हमको ऐसे ड्राइव करना है पूरा जो रूफ़ है उसको खोल के, सो ये तो पॉसिबल होता नहीं है, बिकॉज सीधे धूप ना बहुत ज़्यादा आती है। तो कस्टमर ने बोला कि उनको धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी और उनकी नॉर्मली आदत है कि जो पूरा ब्लाइंड है ना वो उसको पीछे कर देते हैं और इस टाइप से गाड़ी को ड्राइव करते हैं, नेचुरल लाइट उन्हें पसंद है। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप इसके ऊपर 50% गरवारे की सनफिल्म चढ़वा सकते हैं, इससे कोई चालान वगैरह नहीं होगा, क्योंकि पुलिस आगे और साइड में ही शीशों पर चालान करती है। ऊपर अगर आप सनरूफ पे कराते हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है, तो इस पर आप सनफिल्म लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उन्होंने यहाँ पर 50% गरवारे की सनफिल्म लगवा ली है, जो कि यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को। सो ये आप भी करा सकते हैं, अगर आपके पास में हाई राइडर है तो डेफिनेटली ये काम तो आपको कराना बनता है। इसके अलावा मैं आपको ना ये भी दिखा देता हूँ, ये इसकी MID आप चेक कर सकते हैं, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ पर ये एम्बियंट लाइट है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया है, अभी तो इतना जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा, बट इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आप चेक करो, एम्बियंट लाइट कुछ इस टाइप की दिखती है। सो चारों डोर पर ये लगाई है। सो ये गाड़ी हमारे पास में पहले आई थी, इसके अंदर अंडर सीट सबवूफर भी लगा है, आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। पूरी हमने कंप्लीट इसकी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस और साउंड आउटपुट भी चेक कराया था। कस्टमर को इतना अच्छा आउटपुट नहीं लग रहा था, तो उन्होंने साउंड अपग्रेड किया था अंडर सीट सबवूफर लगवा के। सो आज तो गाड़ी के अंदर ये काम हुआ है। बैक सीट्स आप चेक करिए, प्रॉपर बकेट फिनिश करी है। इसके अंदर आर्मरेस्ट भी आता है, तो आर्मरेस्ट पे भी प्रॉपर जो लेदर है उसको अपग्रेड किया है। ये आप चेक करो, मतलब प्रॉपर फिटिंग हमने यहाँ पर कस्टमर को करके दी है। उसके रियर हेडरेस्ट हैं उन पर भी पूरा लेदर अपग्रेड कर दिया है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में किया है भाई। सो किसी को भी अगर ऐसा काम कराना है, सो डू विजिट स्टार कार डेकोर, MP नगर Zone 2 भोपाल, दिए हुए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मैं आपसे मिलूंगा गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। बाय बाय।